हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो लर्न करते हैं। मैं तो फ्रेंड्स आज मैं लाई हूँ यूकेजी का वर्कशीट फिर से, या फिर सिलेबस कह लीजिए। मैंने कहा था कि मैं पार्ट टू बनाऊंगी इसका, तो आज फिर मैंने हिंदी से ही रिलेटेड वर्कशीट बनाया है जो बाकी रह गया था। तो इसमें देखिए, इसमें है फिर मात्रा लिखो, ठीक है। जैसे हमने क्या करना है, आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ इस तरह से दे देना है। और फिर यहाँ पर छोटी है तो छोटी की मात्रा, बड़ी है तो बड़ी, इस तरह से होगा दाएं तरफ से। तो इस तरह से हमें लगाना है। तो ये बच्चों को इस तरह से भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बच्चों को करवाना है वर्कशीट में, उन्हें याद कराना है कि किस तरह से इसकी मात्रा लिखेंगे। ओके, अब इसमें आता है रंगों के नाम भी आता है यूकेजी में, जैसे काला, सफ़ेद, पीला, नीला और लाल, हरा। तो इसमें ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, जैसे 8, 9, 10 ऐसे नहीं पूछे जाते, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही पूछे जाते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, पर अंतर हो सकते हैं स्कूल के हिसाब से, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन यूकेजी में बच्चे छोटे होते, ज़्यादा बड़े तो होते नहीं हैं, इसलिए 5 ही पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो रंगों के नाम में काला, सफ़ेद, पीला नीला, जैसे देखिए एक ही जैसे जो शब्द हैं हम उन्हें एक साथ याद कराएंगे बच्चों को, जिससे उन्हें जल्दी याद हो। तो इस तरह से करेंगे। फिर छोटी ऊ की मात्रा है, इसमें साबुन, जामुन, जैसे देखिए मैंने एक ही तरह के शब्द एक साथ लिखे हैं, साबुन, जामुन, धनुष अलग हो गया, धनुष, गुलाब, गुड़िया, बुढ़िया, चूहिया, या इसमें है तीनों में, कछुआ, सुराही। तो ये छोटी ऊ की मात्रा में आ गए। अब है बड़ी ऊ की मात्रा। तो बड़ी ऊ की मात्रा में भालू, आलू, ठीक है, भालू, आलू, काजू, जादू, तराजू, काजू, तराजू, जादू, कपूर, खजूर, सूरज, चूहा, झूला, ये हो गए बड़ी ऊ की मात्रा में। अब है ए की मात्रा। तो केला, मेला, ठेला, सेब, जेब, पेड़, भेड़, रेल, बेल, शेर। तो हमें बस ये हमें इतना करना है ना कि जो एक जैसे शब्द है उन्हें एक साथ लिखना है, जिससे बच्चों को अगर केला बोलते हैं तो उन्हें मेला ठेला भी याद आ जाए, अगर सेब बोलते हैं तो उन्हें जेब भी याद आ जाए। तो इस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे। अब इसमें आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं, जैसे आना का जाना, काला का सफ़ेद, ऊपर का नीचे, मोटा का पतला, ठंडा गरम, आज कल, बड़ा छोटा, अंदर बाहर। तो इस तरह से विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं। फिर है दिनों के नाम। दिनों के नाम में देखिए वही रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो दिन के नाम होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर ओ की मात्रा, देखिए ए की मात्रा के बाद ए की मात्रा मैंने शामिल नहीं किया, मैंने ओ की मात्रा, आगे मैं ए की मात्रा आपको बता दूंगी। देखिए यहाँ पर है ए की मात्रा, तो ओ की मात्रा में मैंने मोर, चोर, शोर, देखिए एक जैसा है सब, मोर, चोर, शोर, लोटा, मोटा, छोटा, देखिए एक जैसा है, लोटा, मोटा, छोटा, तोता, ढोल, मोल, पोल, खोल, कोयल, बोतल। तो एक जैसे शब्द लिखेंगे तो बच्चों को आसानी से याद होगा, अगर एक शब्द वो बोलते तो दूसरा शब्द उन्हें अपने आप याद आ जाएगा, इसलिए एक साथ रख करके ही उन्हें पढ़ाएं, एक जैसे शब्द एक साथ रख करके ही उन्हें याद करवाएं। अब ए की मात्रा है, तो पैर, तैर, सैर, ठीक है, पैर, तैर, सैर, जैसा, कैसा, पैसा, ठीक है, बैल, नैन, मैना, गैस, मैदान, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सब एक ही जैसे शब्द है, कुछ कुछ अलग भी हो गए हैं, हाँ, तो इस तरह से हम बस हमें याद करवाना, अगर एक जैसे शब्द है तो, अगर एक जैसे शब्द है तो उन्हें एक साथ रखना है। अब है री की मात्रा। री की मात्रा है, री की मात्रा भी आते हैं यूकेजी में, तो घृत, मृत, अमृत, ठीक है, इस तरह से री की मात्रा हो जाएगा, घृत, मृत, अमृत, कृषक, पृथक, गृह, मृग, नृप, वृक्ष, मृदा, ये हो जाएगा री की मात्रा में। औ की मात्रा, औ की मात्रा में चौकी, जो दो ठो औ की मात्रा होती है, चौकी, लौकी, औरत। अब जैसे जो मात्राएं दी जाती, जैसे औ की मात्रा में औरत, औजार, ये पहले लिख सकते हैं बच्चे, जो उन्होंने स्वर वर्ण में पढ़ा था, अ से अनार, आ से आम, तो इस तरह से भी औ से औरत, औ से औजार, ये पहले लिख सकते हैं। बाकी फिर चौकी, लौकी, औजार तो हो गया, कौवा, पौधा, नौका, तौलिया, दौड़, ये हो जाएगा। जैसे हमने क्या री से ऋषि स्वर वर्ण में बच्चे पढ़ते हैं ना, री से ऋषि, री से ऋण, तो वो भी लिख सकते हैं, री से ऋषि, री से ऋण, फिर घृत, मृत, अमृत, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब है अंग की मात्रा। अंग की मात्रा में अंग से अंडा भी होता है, अंग से अंगूर भी होता है, तो वो भी लिख सकते हैं बच्चे।
अब जैसे मैंने देखिए अंडा डंडा झंडा एक साथ लिख दिया, अंडा डंडा झंडा, जंगल मंगल दंगल एक साथ लिख दिया, गंगा पंखा लंबा, ये भी कुछ कुछ एक जैसा लग रहा है आकार में, गंगा पंखा लंबा, अंगूर लंगूर, ये हंस भी है, ठीक है, ये अंक की मात्रा में हो गया। अब है मिलाओ, मैचिंग करना है। जैसे यहाँ पर फोटोज दे दिए गए हैं, ड्राइंग बना दी है मैंने, वैसे आप भी ड्राइंग बनाएं और यहाँ पर शब्द लिख दें, तो इस तरह से क्या करेंगे बच्चे, मिलाएंगे। अब कुछ कुछ ये सब जो लिखने के अलावा हमें क्या करना है, ये सब भी बीच बीच में देते रहना है जिससे बच्चे बोर ना हो। अब जरूरी तो नहीं कि एक बार ही बच्चे सारे पढ़ लेंगे, ऐसा तो नहीं है, बस थोड़ा देर आप पढ़ाएं और फिर कुछ देर के बाद ब्रेक दे दें, फिर पढ़ाएं इस तरह से। तो ये है मैचिंग करना है। तो जैसे अंगूर है तो अंगूर कहाँ, इधर है, तो बच्चा क्या खोजेगा, अंगूर। आम है तो आम, बैंगन है तो ये रहा बैंगन, मछली है तो मछली, इस तरह से बच्चे को दे देना है मैचिंग करने के लिए। मैचिंग तो बच्चे का फेवरेट होता है ना। अब है चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा में देखिए हम उन्हें क्या करेंगे कि जो शरीर के जो पार्ट होते हैं वो उन्हें इसमें रखने के लिए कहेंगे, जैसे कह देंगे कि पहले शरीर का जो पार्ट होता है उसे याद कर लो। मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही बताती हूँ, जैसे दांत है, आँख है, पाँव है, ये शरीर के अंग हो गए, दांत आँख पाँव। अब पाँव से मिलता जुलता शब्द गाँव, ठीक है, ये हो गया दांत आँख पाँव गाँव। माँ हो गया कांटा चाटा, कांटा चाटा ऊँट, मूछ पूछ, ये हो गया एक जैसे शब्द। अब महीनों के नाम भी आता है इसमें, दिनों के नाम आता है तो फिर महीनों के नाम भी आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये सब दिसंबर तक, ये भी आता है UKG में। अब इसमें रेफ की भी मात्रा आती है, जो इस तरह से जो रेफ रहता है, ये देखिए ये जो है वर्षा, हर्ष, नर्स, सूर्य, दर्पण, बर्तन, ये ऐसे है, दर्पण, बर्तन, सर्कस, चर्च, पर्दा, ये जो है इसको रेफ कहते हैं, वो इसकी मात्रा भी आता है लिखने के लिए, ठीक है। अब है बारह खड़ी। बारह खड़ी में जैसे ऐसी क का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कु, बड़ा कु, के, कै, को, कौ, कन, का, ये बारह खड़ी आता है पढ़ने के लिए, इसी तरह ख खा, इस तरह ग गा हो जाएगा। अब जैसे देखिए फोटोज तो हमने बहुत दे दिए हैं, अब क्या करना है कि यहाँ शब्द लिख देना है और यहाँ पर अक्षर लिख देना है। अब जैसे प से क्या होता है, तो प से पतंग होता है, फ से फल होता है, इस तरह से बच्चे मिलाएंगे, म से मछली होता है, य से यज्ञ, व से वन होता है, तालाब से सलगम, तंत से सपेरा। आप चाहें तो एक तरफ अक्षर लिख दे और दूसरी तरफ ड्राइंग बना दे, वो भी आप मैच करने के लिए दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था सिलेबस में हिंदी के जो मैंने बताया है कुछ। तो वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में है, नीचे बटन उसे आपको प्रेस करना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।